अबू जहल, जिनका असली नाम अम्र इब्न हिशाम था, इस्लाम के शुरुआती दिनों में पैगंबर मोहम्मद के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक थे। वह मक्का के प्रभावशाली कुरैश कबीले से थे और बनू मखजूम परिवार के नेता थे। अपनी शक्ति और प्रभाव के बावजूद उन्हें इस्लाम के प्रति अपने कट्टर विरोध के लिए याद किया जाता है। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। अम्र इब्न हिशाम मक्का के एक धनी और प्रभावशाली परिवार में पैदा हुए थे। उनकी बुद्धिमानी, वाक्पटुता और नेतृत्व क्षमता के कारण उन्हें अबू अल-हकम, बुद्धिमत्ता का पिता कहा जाता था। हालांकि इस्लाम के प्रति उनके लगातार विरोध के कारण मुसलमान उन्हें अबू जहल, अज्ञानता का पिता कहने लगे। इस्लाम के प्रति विरोध। जब पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम का प्रचार शुरू किया तो अबू जहल ने जल्द ही खुद को इस्लाम का सबसे कट्टर विरोधी बना लिया। वो कुरैश की बहुदेववादी परंपराओं को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध थे और इस्लाम को उनके सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था के लिए एक सीधा खतरा मानते थे। अबू जहल को मुसलमानों, विशेष रूप से कमजोर या निम्न सामाजिक स्थिति के लोगों के प्रति उनके क्रूर व्यवहार के लिए जाना जाता था। अबू जहल से जुड़े सबसे कुख्यात घटनाओं में से एक इस्लाम की पहली शहीद सुमैयाह बिन्त खयात के उत्पीड़न में उनकी भूमिका थी। सुमैयाह, उनके पति यासिर और बेटे अम्मार को अबू जहल ने बेहद यातनाएं दी, जिनमें सुमैयाह की हत्या भी शामिल थी। लड़ाइयां और संघर्ष। अबू जहल का विरोध कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों में भी दिखा, जिनमें मुसलमानों और कुरैश के बीच संघर्ष हुआ। उन्होंने 624 ईस्वी में बद्र की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो मुसलमानों और कुरैश के बीच पहला बड़ा युद्ध था। अबू जहल कुरैश की सेना के प्रमुख नेताओं में से एक थे और इस्लाम को नष्ट करने के लिए दृढ़ थे। हालांकि बद्र की लड़ाई मुस्लिमों की निर्णायक जीत के साथ समाप्त हुई। अबू जहल को दो युवा मुस्लिम योद्धाओं, मुआज़ इब्न अफरा और मुआविज़ इब्न अफरा ने मार गिराया, जो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन से छुटकारा पाने की इच्छा से प्रेरित थे। विरासत। अबू जहल की मृत्यु इस्लाम के शुरुआती इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। उनकी मृत्यु ने न केवल कुरैश को कमजोर किया बल्कि मुसलमानों को भी प्रोत्साहित किया, जिन्होंने इसे एक दिव्य जीत के रूप में देखा। इस्लामिक इतिहास में अबू जहल को अहंकार और हठधर्मिता का प्रतीक माना जाता है, जो सत्य और धार्मिकता के अस्वीकार के खिलाफ एक चेतावनी के रूप में देखा जाता है। अंत में अबू जहल का जीवन उन संघर्षों की याद दिलाता है जिनका सामना शुरुआती मुसलमानों ने किया था और उन लोगों के अडिग इरादे की जिन्होंने इस्लाम का विरोध किया था। अपनी शक्ति और प्रभाव के बावजूद अबू जहल की विरासत इस्लाम के प्रति उनके लगातार विरोध से घिरी हुई है और उनका नाम हमेशा अज्ञानता और सत्य के प्रति शत्रुता के साथ जुड़ा रहेगा।